नमस्कार, मैं TRN राव, मिसेस राव, हम दोनों ही जो भी मेहनत कर रहे हैं कृषि जागरण वाले हमारे को जानकर आके हमारी मुहिम जो भी है इतना अच्छी तरह वीडियो वगैरह निकाल के हमें बहुत ही अच्छी तरह एंकरेज किए हैं, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। जानते हैं सर से कि किस तरह ये घर की खाद बनाते हैं? सबसे पहले मैं घर की जो वेस्ट होती है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो घर में हमारी जो वेस्ट बनती है, निकलती है, तो उसमें से 70% जो किचन की वेस्ट होती है, जो जिसमें से आपका ये देख सकते हैं कि आपकी फलों की छिलका, अंडे की छिलके और कॉफ़ी पाउडर, आपके फलों का छिलका मैं बताया, तो ये सारे के अलावा ये जो होती है इसकी प्रतिशत होता है 70%। सर इसमें पेपर भी डाल सकते हैं? हाँ, पेपर बोले तो आपकी पेपर अलग, उस पर रिसाइकलेबल है तो वो रिसाइकलेबल में जाता है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इसमें आपके जो पेपर नैपकिन्स होते हैं घर में यूज करने वाले वो डाल सकते हैं, ठीक है। और जो मैं ये बता रहा था कि 70% ये हो गया, 20% जो है, 20% जो है रिसाइकलेबल्स होते हैं आपके पेपर, जो जैसा न्यूज़पेपर हुआ, पेपर जो भी यूज़ करते हैं, मेटल्स हो गए लाइक अभी कील वगैरह हुआ, और आपके एल्यूमिनियम फॉइल्स हम यूज़ करते हैं आजकल आपके दवाइयों से डालने के बाद जो होते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल्स, मतलब मेटल्स हो गए, मेटल्स, प्लास्टिक्स, रबड़ और आपके कॉटन, ये जितने भी हैं रिसाइकलेबल में जाएंगे, जिसको हम ड्राई वेस्ट भी कह सकते हैं, ये हुआ वेट वेस्ट, ठीक है। आप जैसा भी अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सारे एक ही बार एक ही पैकेट में डाला, वो आपके कूड़ेदान में जा रहा है, जो मैं कूड़े की पहाड़ जो बन रही है आपकी सिटी में, ठीक है। अगर आप इसको अलग कर दें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, अगर एक बार आप डाल देंगे तो निकालने वाले को बहुत मुश्किल होगी। अगर पहले ही घर पे ही अगर दो बिन रख के आप दो बिन में अलग अलग कर देंगे, और ये जो 70% जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को आप आराम से होम कंपोस्टिंग पे तब्दील करके इसके सहज खाद में तब्दील कर सकते हैं। जो आपकी 20% है वो आपके रिसाइकलेबल में चले जाएगा, जो भी है आपके कबाड़ी वाला जिसको हम कहते हैं, वो आपके रिसाइकलेबल इंडस्ट्री में चले जाएंगे। बाकी बचा 10%, उस वो सिर्फ वेस्ट वही है, ठीक है। अभी हम ये 70% जो घर के आपके जो वेट वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल जिसको कहते हैं, जो अपने आपके उसके एक सड़ने जैसा गुण होता है, ठीक है, उसको हम खाद कैसा बना सकते हैं अभी हम इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा जो दो बकेट ले सकते हैं, पहले होल आपने, हाँ जी इसको बोलते हैं एरोबिक कंपोस्टिंग। ये कंपोस्टिंग में दो तरीके होते हैं, एक एनारोबिक एक एरोबिक। एरोबिक कंपोस्टिंग करने में आपकी एक लाभ ये है कि उस पर आपको कोई किसी तरीके की बदबू नहीं आती है, ठीक है, इसको एरोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ऐसा डिज़ाइन किया था कि बकेट्स लेने के, इससे पहले लोग मिट्टी का वगैरह लेते थे जो बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। पहले जब मैं ख़रीदा था ये मेरे को कॉस्ट पड़ी थी करीब 4,000 रुपये में। जब मैं 4,000 रुपये के मेरे दोस्तों के बारे में जब डिस्कस करते थे, लोग 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा बोल के कोई उसको अपनाने में नहीं आते थे। अभी उसके बाद मैं सोच के जो है ये किट जो है मात्र ये सब मिला के, ये सब मटेरियल सब कुछ मिला के पहली बार के आपके 600 रुपये के आसपास जो है इसके खर्च आती है, ठीक है। तो ये आप ऐसा दो बकेट ले लिया, आप ये देख सकते हैं इसको एरोबिक कंपोस्टिंग, इसकी आप होल्स किए हुए होते हैं जिसके थ्रू आपकी ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी, अच्छा एक बात और है इसमें, एक छोटी सी केमिस्ट्री जो आपको बताऊंगा, ये जो घर की आपकी कचरा जो निकलती है ये होता है नाइट्रोजन बेस। इस नाइट्रोजन बेस को आप प्रॉपर एक कार्बन बेस अगर मिला के सड़ाएंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, तो उसको जो है जो डिकम्पोजिशन जो होती है, अगर सही माने में हिंदी में मैं कहूँ, जो सड़ रही है वो ढंग से सड़ा के, मतलब ढंग से सड़ा रहे हैं, सड़ना तो है ही मगर टाइम के लिए, उसकी जो ढंग से सड़ा रहे हैं जो सड़ने का, क्योंकि वैसा सड़ती है तो बदबू आती है, वैसा ढंग से सड़ाएंगे तो आपको बदबू नहीं आती है। जैसा कि ये एक बैक्टीरियल रिएक्शन है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा आप ये आप
दूध जमाते हैं, है ना। दूध में अगर जामुन डालाया, जामुन डालते हैं तो ढंग से वो बैक्टीरियल एक्शन होके जो है वो दही बनती है। अगर दूध आप जामुन नहीं डालेंगे, कभी आप गर्मियों में अक्सर देखे होंगे वैसा भी जम जाता है, वो भी बैक्टीरियल एक्शन है, तब क्या हम उसको दही बोलेंगे? नहीं। तो वो क्या होता है कि वो दूध वैसा अगर सड़ बन जाता है जैसा ही दही जैसा, तो हम उसको दही नहीं बोलेंगे, दूध खराब हो गया, वहाँ पे भी बैक्टीरियल एक्शन है। वहीं अगर हम जामुन डालते हैं वो दही बन जाता है तो दही बना, तो दोनों ही बैक्टीरियल एक्शन। वैसा ही अगर हम इसको एक जामुन डाल के जैसा दही बनाया वो बैक्टीरियल एक्शन प्रॉपर हुआ, उसी तरीके से इसकी हम ढंग से सड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस जो है प्लास्टिक बेस को जो है वो करने के लिए ये कार्बन मटेरियल जो बोला है ये होता है आपकी कोकोपीट, ठीक है। तो ये एक कोकोपीट के अलावा एक मैं एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से कोयम्बतूर में वहाँ से मैं मंगवाता हूँ। ये सिर्फ कोकोपीट जो होता है ये आपका नारियल की जो फाइबर होती है, नारियल की जो छिलका बुरादा होता है, तो वो बुरादा मेनली है। इसके अलावा उसने बहुत सारे चीज़ें डाला के ये एक कोकोपीट जो है मेरे को भेजते हैं, मैं वहाँ से लेता हूँ। मतलब कितने तक का पड़ जाता है, कॉस्ट क्या होती है इसकी? ये कॉस्ट कोई नहीं, आप मुश्किल से 200 रुपए में इसका ये कोकोपीट, और एक ये इसमें एक डालने का एक माइक्रोब्स बोलते हैं हम, जो कि वो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए, उस बैक्टीरियल एक्शन को, बैक्टीरिया को और अच्छी तरह मल्टीप्लाई करने में काम आता है, इसको बोलते हैं हम माइक्रोब्स। तो जैसा भी ये कोकोपीट आता है हम जो लोगों को देते हैं, ये ऐसा एक ब्रिक के रूप में आती है। इस ब्रिक को आप किसी पानी के टब में रख के करीब 5-6 मग पानी डाल देंगे तो बिल्कुल ऐसा ही ये फुल फुल के जो है ये ऐसा कोकोपीट की पाउडर जैसी बन जाती है, ठीक है। तो अभी हमने इस पर कोकोपीट की एक लेयर डाला, इस पर आप ये देख सकते हैं आपकी छिलके सारे। और इसमें एक चीज़ और भी है, घर में कभी कभी हम फल सब्जियां लाते हैं वो सड़ जाते हैं, ये सड़ा हुआ फल मेरे घर पे ये हुआ था, ये सड़ा हुआ फल अभी हम फेंकने की ज़रूरत नहीं, इससे अच्छी तरह आपकी खाद बन जाएगी। कभी फल सड़ जाते हैं, कभी सब्जियां भी सड़ जाती हैं, कभी हो जाता है, कभी प्याज सड़ गया, कभी आलू सड़ गया, वो सारी चीज़ भी आप डाल सकते हैं इसमें, आराम से आप इस पर डाल देंगे, आपको अच्छी तरह इसको फैलाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं एक कॉफ़ी पाउडर है यूज़ किया हुआ, ऐसा ही चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब कोई ऐसी चीज़ जो ना डाल सके जो किचन में यूज़ होती हो, इस पे ना डालने वाला के थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना डाल सकते हैं, मगर एक भगोना भर के दाल नहीं डाल सकते, थोड़ा बहुत है तो रोटी वगैरह जो बच जाती है वो डाल सकते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं डाल सकते हैं इस पे, ये मेनली आप अच्छा तरह जाने के मिल्क प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं डालेंगे, ठीक है। इसमें अभी जो है हम ये जो माइक्रोब्स जिसको बोला हूँ, तो सर इसकी कॉस्ट क्या होती है? ये दोनों मिला के मैं बोला ये 50 रुपये एक लीटर मिलती है, जब मैंने शुरू किया था यही चीज़ मैं 150 रुपये एक लीटर खरीदता था। तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये आपकी वैसा भी एक महीने में ये एक लीटर खत्म हो जाती है, एक्सपायरी होने का कोई नहीं, 3-4 महीना आराम से रह जाती है। इसके थोड़ा सा आप छिड़काव कर सकते हैं, अगर ये ऐसा ढक्कन है ढक्कन में भी आप आराम से एक छेद करके इसको ऐसा ही जस्ट छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें सबके उस पर चले जाए। इसके ऊपर अभी हम फिर से ढक देंगे इससे कोकोपीट की जो पाउडर है, तो जैसा मैंने बताया वो नाइट्रोजन बेस की जो कचरा है वो नाइट्रोजन बेस के ऊपर हम ये प्रॉपर कार्बन जो है कार्बन बेस है ये, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके ये कोकोपीट से कवर हो गया है, ठीक है। अभी अगर वैसा अगर हम छोड़ देते हैं सड़ के आपको बदबू आएगी, मक्खी आएंगी, जबकि इस प्रोसेस में क्या होता है अगर ये चलते चलते अगर आप यहाँ पे भी अगर नाक लाएंगे तब भी आपको इस पे ना बदबू आएगी ना मक्खियाँ वगैरह पैदा होंगी, ठीक है। ये आज का दिन तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे कल जो है इसी पे ऑलरेडी कोकोपीट है, फिर कोकोपीट डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आपके घर के जो भी वेट वेस्ट है जैसा मैं बताया किचन से जो भी निकलते हैं वो सारे
वेट वेस्ट इस पे डालेंगे, फिर माइक्रोब, फिर से माइक्रोब से एक छिड़काव करेंगे, फिर आपकी माइक्रोब ये कोकोपीट जो है इस पे फिर कवर कर दोबारा लेयर बना देंगे उसकी। ऐसा करते करते अगर ऐसा इस पे 4 या 5 दिन बाद जो है एक बार एक कड़ची से इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी जो अभी नीचे वाला जो रह गया है उसके ऊपर उसको ऑक्सीजन मिलके थोड़ा सा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन इसको मिलना चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक दिन जो है ये जहाँ तक आ गया है ये कवर कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको, ये जब ये एक्शन होती है इस पे जो है टेम्परेचर जो है करीब 70-80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा होती है। जब आप नेक्स्ट डे जब देखेंगे आप यहाँ पे एक भाप की जो है आप भाप देख सकते हैं, एक अगर इधर यहाँ पे भाप देख रहे हैं तो आपका मतलब है कि आपकी जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो रहा है। एक तो आपको बदबू नहीं आना चाहिए, ये चेक करने के लिए एक चेक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर आप जब भाप नजर आएगी तो आपकी बिल्कुल ही अच्छी तरह आपके प्रोसेस हो रही है, ठीक है। ऐसा करते करते जिस दिन ये भर गया है ये रख दिया, नेक्स्ट फिर इसी के ऊपर वैसा ही उसी तरीके से दूसरा बाल्टी रखा और उसी तरीके से आप कोकोपीट डाल के फिर ये शुरू करेंगे। तब तक ये दोनों बल्कि करीब करीब 6 हफ्ते या 7 हफ्ते तक ये दोनों के भर जाती है। जब ये भर गया तब तक नीचे वाला जो बाल्टी है इसमें आपको और चीज़ डालूँ जो आपको के जैसा हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, अखरोट, बादाम और मूंगफली, इनकी भी छिलके आप डाल सकते हैं। और आप देखे होंगे कि अंडे छिलके भी इसमें डाला, और अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में हम खूब आम खाएंगे, आम की गुठली भी इसमें जा सकती है। मगर क्या होता है, आम की गुठली, अंडे के छिलके और ये जो अखरोट के छिलके ये एक साइकिल में जो है वो कंपोस्ट में नहीं बदलते हैं। तो इसकी जो ये बन गया है तो हल्का सा नीचे जनरली जो कोई हमारी बुट्टी होती है ना जहाँ वो सब्जियां वगैरह रखते हैं, ऐसा बुट्टी में लेके थोड़ा हल्का सा वो कर देंगे तो आपकी बढ़िया सा आपकी खाद जो है ऐसा आपकी आ जाएगी। ये हमारा घर का ही बना हुआ ये खाद है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मतलब इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं? नहीं, इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता, वैसा भी ख़त्म हो जाती है। आप डालें, इवन आप इस पे 50-50 जो है थोड़ा सा मिट्टी, क्योंकि आजकल आपको सिटी में मिट्टी नहीं मिलती है, ये और या कोकोपीट और 50-50% भी अगर आप मिट्टी में मिला सकते हैं, इवन 70% ये थोड़ा सा बॉन्डिंग के लिए मिट्टी ले ले, आप अपने गमले भर के उस पर आराम से डालिए ताकि आपके छत पर अगर कर रहे हैं छत पर तो ज़्यादा आपको वजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप आराम से आप ये खाद बनाएंगे, इससे दो फायदा हो रहा है, एक तो आपके एक ऑर्गेनिक मैन्यूर जो भी है ये बिल्कुल आपको घर की ही मिल रही है, ताकि आप अगर बाज़ार में खाद मिलेंगे तो आपको ये नहीं पता है भी ये खाद सही है या नहीं है, क्या है आपको पता नहीं, ये आपको मालूम है कि आपके घर की बनाया आप खुद बनाया हुआ मैन्यूर है, आप खुद बनाया हुआ खाद, सहज खाद, बिल्कुल ही सहज है, ठीक है। तो और दूसरी क्या है कि आपके घर की जो भी कचरा निकल रही है वो आराम से आप अपने मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया आपकी जो है, आप ग्रीनरी आप उगा के जो है बिल्कुल आप दिल्ली को जो है आप पूरा अच्छी तरह इसकी क्या ऑक्सीजन दे सकते हैं, खुद आप ऑक्सीजन लेते हैं। आजकल बहुत पता चल रही है बहुत सारे पेड़ों में आपके जितने भी जिस क्या बोलते हैं घर में उगाने वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं आपको मिल जाएंगे, तो लाइक मदर टंग व्हाट यू कॉल दैट मदर इन लॉ टंग, ऐसा बहुत सारे प्लेट है, मनी प्लांट है, ये सब अपने आप एक नेचुरली ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हैं। तो इन प्लांटों से आप कहते हैं तुलसी है बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा है, एलोवेरा है आप घर में खुद उगा सकते हैं, खुद एलोवेरा कितना आपके उस पर हर्ब्स है, बहुत सारे हर्ब्स हैं, आप इसके बारे में जान के उसको अपने घर पर आप हर्ब्स पैदा करिए, अपने घर की सब्जियां उगाइए, इसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ जो है हम देते हैं। जैसा भी आप देख सकते हैं कि आपको अगर जहाँ पे भी जगह नहीं है तो ऐसा आप जगह पे भी वो बना सकते हैं कि, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसा भी आप बालकनी में ये देखिएगा, आपकी बालकनी में जो है ऐसा कोई बुट्टियाँ हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि बुट्टी खरीदना भी पड़े, ये तो मैं खरीद के लेके आया हूँ, बस घर में बहुत सारे आप बुट्टियाँ मिल जाती है, उसको एक दो छेद करिए, उसको टांग के आप अपना बालकनी में भी ऐसा, ये देखिए हरा धनिया कितना अच्छा है, ये आपके घर की बना हुआ हरा धनिया।